पौराणिक स्थल पस्का में हर तरफ गंदगी का लगा ढेर। सुकरखेत पस्का जनपद गोंडा का पौराणिक स्थल है। इस स्थान का महत्व सतयुग से है, जहां पृथ्वी माता को चुराकर पाताल लोक में चारों तरफ से गंदा करके छिपा लिया गया था, तो भगवान विष्णु ने माता पृथ्वी को छुड़ाने के लिए 12 का अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारकर माता पृथ्वी को उसकी कैद से छुड़ाया था। दूसरा इसका पौराणिक महत्व यह है कि यहाँ पर सरयू व घाघरा दो नदियों का संगम हुआ है। इसी संगम के चलते यहाँ पर सैकड़ों साधु संत व गृहस्थ पौष मास की शुरुआत के साथ ही यहाँ पहुँच जाते हैं व एक मास तक यहाँ फूस की झोपड़ी डालकर कल्पवास करते हैं। पौष पूर्णिमा को संगम का प्रमुख स्नान भी किया जाता है, लेकिन जिम्मेदारों के चलते घाटों की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। लगभग 40 वर्षों से घाट पर कल्पवास कर रहे बाबा राम चेला दास से जब हमारी टीम में बात की तो उन्होंने शासन प्रशासन के इस रवैये पर कड़ा एतराज जताया और उन पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए। घाट के हर तरफ गंदगी होने से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं प्राइम न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। मैं हूं अमरेश प्रजापति, अभी हम मौजूद हैं गोंडा जनपद के पवित्र भूमि पस्का में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने 12 का अवतार इसी क्षेत्र से लिया था और रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहाँ से मात्र थोड़ी दूर पर हुआ था, वहीं पर उनका आश्रम है। अभी हम मौजूद हैं पस्का के सरजू जी के पावन तट पर, और जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए, पूरे देश को स्वच्छ रखने के लिए प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया जा रहा है। नदियों को स्वच्छ करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए सरकार यहां से खर्च कर रही है, लेकिन गोंडा जनपद के इस पवित्र भूमि पर पस्का के पावन क्षेत्र पर सरजू जी के तट पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वो स्वच्छता सफाई देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग नदी के किनारे शव को जला रहे हैं, यहाँ पर दाह संस्कार किया जा रहा है, पॉलीथीन जो भी कचड़े आते हैं यहाँ पर फेंक रहे हैं। यहाँ पर जब मैंने लोगों से बात किया, आसपास के लोगों से जब बात किया, तो उन्होंने यह कहा कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। इससे पूर्व सन 2004 में यहाँ से मंत्री और विधायक योगेश प्रताप सिंह ने ये आप जो घाट देख रहे हैं उसका निर्माण उन्होंने करवाया था। यहाँ पर कुछ संत समाज भी हैं जो रहते हैं, जब मैंने उनसे बात किया तो बताए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि ये नदी बिल्कुल नालों से बदतर इसकी स्थिति हो चुकी है। कई बार इन लोगों ने जिला प्रशासन से आला अधिकारियों से शिकायत की है, फिर भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम यहाँ पर कुछ संत समाज मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बाबा जी आपका क्या नाम है और क्या समस्या है आपको यहाँ पर? हमारा समस्या यही है कि घाट पे जो लहास फूकी जाती है ये कब फूकना बंद कर दें, सफाई रहे घाट में, कई जनता नहाती है, करोड़ों सुनिए करोड़ों जनता यहाँ नहा स्नान करता है, अगर कोई मूर्ति बाज के गिर पड़ा तो कौन दशा होगा? ये पानी छुना ही जा रहा है, सुनिए ना। तो यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आते हैं घाट की सफाई कर्मी आते हैं, वही बता रहे हैं कि कुर्सी बैठ जाएंगे और जब जानेंगे हाँ कोई मुख्यमंत्री कोई आए रहा तो चाहे दो कचहरी वहीं लगा देंगे, कुछ दो कचहरी वहीं लगा देंगे तो बैठ जाएंगे। यही हो रहा है, कब आएंगे? जब मेला दो एक रोज बाकी रही तब। आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? समझ लीजिए ज्यादा नहीं 40 साल समझ लीजिए, आप इतने समझे। तो कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने रहने कुछ ना दिखा? खाने पीने के लिए कुछ नहीं देखते, लाव चिल्ला दे कि लाव जलेगा, और लाव कहाँ चलता है? एक लाव चलता है कहाँ, वही खाली वही जले कौन में जले कि रात भर जला भी नहीं गा। तो प्रशासन तो कह रहा है कि संत समाज के लिए, योगी जी कह रहे हैं कि संत समाज के लिए हम बढ़िया सुविधा दे रहे हैं, उनको बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, अलाव जलाने की व्यवस्था दे रहे हैं। यहाँ पर अलाव आ रहा है, हमारे लगे मोबाइल नहीं बना है, बह मिला ले योगी के लगे कि पागल एक आपको बैठा हुआ है। यहाँ अलाव लीजिए 50 साल के हम उम्र में हैं, 50 साल से ही आ रहे हैं और तब से कोई शासन नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर शमशान घाट नहीं बना हुआ है जो लोग घाटों के किनारे ला करके दाह संस्कार करते हैं? बना है, देख लीजिए पूर्व बना हुआ है,
किसान शाही हाँ अब बात कर ले जोगी से हमारे लगे मोबाइल नहीं बा और मोबाइलों बा तो भैया चिप नहीं बा। तो यहाँ पर जब जैसे लोग जब दाह संस्कार करने के लिए आते हैं तो शमशान घाट में नहीं जाते हैं, शमशान घाट में नहीं जाते हैं, शमशान घाट जैसा तो बना हुआ है दूर से। हाँ तो ये बतावा हम मिनहा का थे हमें केवल चार लाठी मार दे तो तुहे नीक बा योगी बाबा। अच्छा चिल्ला थे हमें मारे चार लाठी तो आपको नीक है। यहाँ पर सफाई कितने दिन से नहीं हुई है, घाटों पे घाटों की सफाई कितने दिन से नहीं हुई है? यहाँ घाटों की सफाई हम देखते हैं कि वही होता, मेला 15 दिन बाकी रह गया तब यहाँ सफाई होता है और बाकी नहीं होता। मेला कब लगता है यहाँ भैया? देख लीजिए पुनवासी पूछ के पुनवासी लगता है। अब की जो पुनवासी आ रही है ना ये क्लब वासी लोग आ जाएंगे महीना भर के, आप समझा महीना भर क्लब वास करेंगे अगले पुनवासी तक पूरा पूछ भी दिया, आप समझा रहे माघ लागी इलाहाबाद का गाड़ी जाए हमारी सरकार। यहाँ कोई सफाई नहीं रहता और वह सफाई रहता है खाली 10 दिन के लिए। प्रशासन से आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मांग हमारी यही है कि घाट पे लहास न फूंके। हम बैसाखों में आते हैं यहू साई कहते हैं लहास फूंके शमशान घाट पे, और नहीं तो शमशान घाट हम मिटा देंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे तो मार के जाएंगे तो मिटा जाएंगे गोडा से। बाबा जी आप मूल रूप से कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? हम मूल जिला हमारी बस्ती जिला विश्वेश्वरगंज बाजार राम जानकी रोड चकोही हनुमान बाग। यहाँ लगभग आप 40 वर्षों से रह रहे हैं? हाँ। अब लड़का चला गया ना बताए देते, मेरे से है यही लड़का खड़ा रहा।